उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद पहाड़ों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, जो देश विदेश से आने वाले सैलानियों को खूब पसंद आ रही है। और यही कारण है कि पर्यटक लगातार पहाड़ों पर मौजूद हिल स्टेशनों की ओर रुख करते दिखाई दे रहे हैं। चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध औली को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। यहाँ देश विदेश से पर्यटक स्कीइंग का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। बता दें कि क्रिसमस और 31st के साथ न्यू ईयर पर यहाँ भारी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में बर्फबारी शुरू होते ही पर्यटकों के साथ होटल व्यवसायियों में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके अलावा औली में 10 नंबर टावर से गोरसू तक बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, जहां टूरिस्ट स्कीइंग का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे निचले स्थानों में बर्फ पिघल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पर्यटक हैं उनमें भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मेरा नाम रविंद्र कंडारी है और मैं औली में एक होटल व्यवसायी हूँ। और इस विंटर की अभी फर्स्ट स्नोफॉल चल रही है, और जिससे हम होटल व्यवसाय को काफ़ी उम्मीद है कि यहाँ पे औली में पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिलेगा, और जिससे काफ़ी टूरिस्ट में इजाफा होगा और पर्यटक यहाँ पर आकर बर्फबारी का लुत्फ उठा पाएंगे। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों से निवेदन करता हूँ कि आप औली में आइए और बर्फबारी का लुत्फ उठाएं। स्थानीय अमित औली की खासियत बताते हैं और कहते हैं कि औली भारत में पसंदीदा हिमालयी स्थलों में से एक है, जहां से कई पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। बताते हैं कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी औली मशहूर है और इन दिनों यहां पर्यटक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं होटल व्यवसायी रविंद्र कंडारी कहते हैं कि औली में लगातार टूरिस्ट पहुँच रहे हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। बताते हैं कि इससे होटल व्यवसायियों में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी, औली उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ नामक स्थान के स्थित एक हिल स्टेशन है, जो कि जहाँ पर की काफ़ी अच्छी बर्फबारी होती है। आपने जो औली से जोशीमठ के रोपवे का नाम अवश्य सुना होगा, जो कि एशिया का सबसे लंबा रोपवे है। यहाँ पर आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे कि स्कीइंग, हाइकिंग, ट्रैकिंग, इन सभी का एडवेंचर आपको मिलेगा। और आजकल गवर्नमेंट का इस तरफ प्री वेडिंग शूट्स और वेडिंग के लिए भी काफ़ी ध्यान रहा है, तो औली आप ज़रूर आइए। औली में अच्छी बर्फबारी होती है और आपको पूरा फन मिलेगा यहाँ पर एक हिल स्टेशन में, जैसा कि हिमाचल प्रदेश या कश्मीर में आपको मिलता है। चमोली से न्यूज़ 18 लोकल के लिए सोनिया मिश्रा की रिपोर्ट।